गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू येट अनदर वीडियो। आई नो कि मैं बहुत नॉर्मल ड्रेस में बैठी हुई हूँ, क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं सरोजनी नगर मार्केट, और ये उसके जाने के पहले का मतलब तैयार होने के पहले का वीडियो है। और इस टाइम पे सरोजनी में लाइक विंटर और समर दोनों ही टाइप के कलेक्शन आए हुए होंगे, सो मैंने इसलिए इस टाइम का ये टाइम पीरियड चूज़ करा है कि दोनों ही सीजन की ड्रेसेस हाफ प्राइस में मिल जाएंगी। सो अगर आप लोग को भी सरोजनी जाना मतलब शॉपिंग करनी है तो इस टाइम जाके करके आ जाओ। तो आज मैं जा रही हूँ संडे में, होप सो कि मेरे को क्राउड ना मिले। और अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मैं रेडी होंगी और गेट रेडी विद मी मैं ऊपर पिन कर दूंगी। सो आप लोग इसमें से जाके देख लेना मैं क्या पहन के गई थी सरोजनी में। और हाँ, इस बार एक और चीज़ मैं करने वाली हूँ कि मतलब मेरी व्लॉगिंग और हॉल दोनों ही एक ही वीडियो में होने वाला है, मैं अलग अलग नहीं करूँगी, तो एंड तक वीडियो को देख लेना। और मैं इस बार लाइक आपको सरोजनी में पूरा सरोजनी नहीं घुमाने वाली हूँ, मेनली जो मेरे को चीज़ें अच्छी लगेंगी, जो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ आप लोग इससे सामान लोगे तो आपको बेनिफिट होगा, सो मैं आपको वही शॉप्स दिखाने का ट्राई करूँगी। एंड वन मोर थिंग कि मैं थोड़ा आपको इस बार शॉप नंबर्स भी बता दूँगी कहाँ कहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती है, ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। और अब मैं आप लोग को मिलूंगी मतलब सरोजनी नगर पहुँचने के बाद, सभी हम लोग जल्दी से चलते हैं और सरोजनी में जाके मिलेंगे। बाय। सो गाइस, अभी जस्ट हम लोगों ने एग्जिट करा है मेट्रो स्टेशन से, और सामने आपको मिल जाएंगी ये बहुत सारे लोग मतलब जो रोड पे लगा के बैठते हैं, इन लोग के पास भी बहुत सारे कलेक्शन रहता है, बहुत सही रहता है। लाइक ये जो आजकल बैंड्स चल रहे हैं बो वाले, उसका सेट दे रहे थे 100 में 5 वाला, और मतलब इनके पास ब्रेसलेट्स रहते हैं, रबर बैंड्स रहते हैं, क्लचर्स रहते हैं। और यहाँ पे एक अंकल थे, ये 100 के 5 ईयरिंग्स दे रहे थे, जो कि बहुत सही है, और आपको इसमें से ढूंढना पड़ता है। मैंने इसमें से नहीं लिया था क्योंकि मेरे पास इनके सारे कलेक्शन थे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे यार मतलब 50 रुपये में जो कोट्स थे ना, लॉन्ग कोट्स विंटर वाले, वो सब इन्होंने लगा दी थी 50 रुपये की। ये क्यूट क्यूट सी स्वेटर्स भी थी यहाँ पे, कोट्स आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, 50 रुपीज़ में लगाया हुआ था, जो कि बहुत सही रेंज था। ऑल दो ये ख़राब मतलब थोड़ा डिफेक्टिव माल रहता है, बट आप देख दाख के अपने हिसाब से ले सकते हो, 50 रुपीज़ में बहुत सही मिलता है। समर का कलेक्शन भी था यहाँ पे, शॉर्ट्स एंड ऑल भी था, वो भी 50 रुपीज़ में ही मिल रहा था, जो कि बहुत सही रेंज है। और क्वालिटी भी यार 50 रुपीज़ के अकॉर्डिंग सही मिलती है। यहाँ पे बाहर में आपको इयरिंग्स वाली आंटी, इयरिंग्स वाले स्टॉल्स भी दिख जाएंगे, बट यहाँ से मैं आपको लेना सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये 100 का दे रहे थे, और अंदर जाके मेरे को ये बहुत सही प्राइस में मिल गया था, आगे देख लेना। और साइड में जाके मेरे को ये इतने प्यारे प्यारे टॉप्स मिले थे, बिल्कुल फ्रेश माल था यहाँ पे, मतलब अभी मैंने एंटर किया नहीं है, उससे पहले मेरी शॉपिंग शुरू हो चुकी है। सो अभी ना मैं मतलब गेट के अंदर एंटर नहीं हुई हूँ, उसके इस साइड आ चुकी हूँ। सो यहाँ पे भी आगे जाके बहुत सारा सही मार्केट लगता है, 20-20 रुपीज़ में भी टॉप्स मिलते हैं इस साइड। मतलब ये कोट्स लगे हुए थे, ऑल दो इनका प्राइस थोड़ा हाई था, लाइक 200-250 के अकॉर्डिंग मतलब वहाँ से स्टार्ट था, बट तब भी यहाँ पे क्वालिटी सही मिलती। अब मैं आ गई थी बिल्कुल मार्केट के अंदर, आ गई थी मैं गेट नंबर 1 से, और यहाँ पे मैंने कोट सेट्स देखे थे, और एक दो बहन ने मुझे मना किया था वीडियो के लिए, तो इसलिए वो हॉस्पिटल गई थी वीडियो। ये समर के कोट सेट्स है, जो कि बहुत प्यारे लगते हैं, और 200 और 300 इनका प्राइस था। शॉर्ट्स वाले कोट सेट्स थे, बहुत अच्छे लगते हैं समर्स में पहनने में। और लाइक ये आपको शराराज मिल रहे थे 200 है, पजामा टाइप में, जो कि बहुत सही लगता है, नवरात्रि पे आप इनको बहुत अच्छे से टाई अप कर सकते हो। वापस देखे थे मेरे को ये इयरिंग वाले सेट्स, 30-60 रुपीज़ के इनके पास थे रेंज। ये लोग ना एक होशियारी दिखाते, 30 लिख के 60 का देते हैं, सो उससे बच के रहना। ये भी मैंने यहाँ से नहीं लिए थे, मैंने आगे लिए थे, क्योंकि आगे बहुत सही प्राइस में मिल रहे थे, वैरायटी भी नहीं थी। और 350 में कोट सेट, जो कि विंटर्स में बहुत सही रहते हैं आपको, क्योंकि इनका कपड़ा भी बहुत पतला रहता है, बहुत प्यारे डिज़ाइंस, बिल्कुल फ्लोरल प्रिंट, पेस्टल कलर्स थे इसमें, जो कि बहुत सही रहते हैं समर से पहनने में। और इनका जो कॉटन का फैब्रिक रहता है, और इयररिंग्स के लिए मैं मेन गई थी इस बार, तो मैं मोस्टली इस बार इयररिंग एक्सप्लोर कर रही हूँ, बट ये वाले भैया ये वाले इयररिंग्स 60 के दे रहे थे, तो मैं यहाँ से अभी नहीं लाई थी। और फिर इस बार ये बैग वाले अंकल देखे मेरे को, जो पेड़ आता है ना बीच में एक वहाँ पे, और 100 में इतने प्यारे प्यारे पर्सेस दे रहे थे, अरे बहुत सही पर्स थे इन पे, मतलब नॉर्मल स्लिंग बैग्स बहुत सही थे। 80 रुपीज़ में मेरे को समर टॉप्स और विंटर टॉप्स दोनों ही दिखे थे, जस्ट कि आपको इसमें से देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। क्वालिटी वाइज बहुत सही था 80 रुपीज़ का इस बार का प्राइस, मेरे को बहुत सही कपड़ा लगा, ऐसा नहीं कि यूज्ड हो, बिल्कुल फ्रेश लग रहा था। और 300 रुपीज़ में आपको अगेन ये सेट्स मिल रहे थे, ये वाले सेट्स थोड़े मतलब एथनिक टाइप में आ जाते हैं, आप पार्टी वेयर में भी पहन सकते हो, सो ये वाले बहुत सही सेट्स थे। इनका भी अगेन जो कपड़ा था वो बहुत 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 सही था, और साइजेस भी इनके पास मोस्टली सारे ही अवेलेबल रहते हैं।
और फिर था ये एक शॉप, ये है बाबू भैया की शॉप, मतलब बाबू गारमेंट जिनका नाम है। तो ये वाले भैया बहुत अच्छे हैं, 80 रुपीज़ में इनके पास क्या कलेक्शन था, इनकी पूरी दुकान का कलेक्शन मेरे को बहुत 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 अच्छा लगा। मतलब आपको स्टार्ट में वाली शॉप दिख जाएगी, ये फ्लावर वाली शॉप है, उसके बिल्कुल साइड में है। और वाले भैया भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सही कलेक्शन है, कोई हाई प्राइस भी नहीं है इनका, बहुत मिनिमम सा प्राइस है विद अ ग्रेट क्वालिटी। तो आप इनसे जाके ज़रूर लेके आना, और इन पे आपको एथनिक वियर, वेस्टर्न वियर हर चीज़ मिल जाएगा, बिल्कुल ट्रेंडी टॉप्स थे इन वाले भैया के पास। अभी क्रोशेट वाले टॉप्स भी थे, ट्रेंडी जो इंस्टाग्राम एंड ऑल पे चलते हैं वैसे टॉप्स भी थे। और यार भीड़ देख लो, मतलब मैंने संडे चूज़ किया था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग संडे में बहुत 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 सही क्वालिटी रहती है, और कपड़े बहुत, तो मतलब प्राइस बहुत सही रहता है संडे में, मतलब जो माल होता है ना वो बहुत सही आया हुआ होता है। सो ज़रूर से संडे में जाना एक बार, तो आपको खुद पता लगेगा कितना अच्छा कलेक्शन रहता है संडे में, और प्राइस भी कम रहता है, ये चीज़ मैंने देख ली है। और यहाँ पे 100 रुपीज़ है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सी जो शर्ट्स होती हैं पतले से कपड़े वाली वाली शर्ट्स मिल रही थी इनका। मुझे थोड़ा क्वालिटी अच्छा नहीं लगा था तो मैंने इसलिए लिया नहीं था, तो एक्सप्लोर भी नहीं किया था मैंने इसको। और साथ ही में मेरे को हल्का सा आगे जाके 90 रुपीज़ में ये शर्ट्स दिख रही थी, इस वाले में थोड़ी मतलब क्रॉप शर्ट्स भी थी, बट मेरे को प्रिंट इस बार इतना अच्छा लग नहीं रहा था इन शर्ट्स का, सो मैंने अभी लेना अवॉइड किया कि अभी कोई मतलब नहीं है इनको लेकर, और इतना कोई कलेक्शन भी नहीं था इनके पास। और नॉर्मल आपको मतलब ये डेली वेयर की जो टी शर्ट्स एंड ऑल रहती है वो मिल जाएंगी आपको, 100 to 150 की रेंज इनको इनकी थी, टाई एंड डाई वाली टी शर्ट्स थी, ग्राफिक्स वाली भी थी, ओवरसाइज वाली भी थी। और 30 रुपीज़ में मैं कोई अंकल दिख रहे थे, मतलब ये शॉप टाइप में थी, ये इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स दे रहे थे, और 100 में बड़े बड़े झुमके दे रहे थे। अभी आपको मतलब ये स्टॉल्स वगैरह यार 50 to 60 रुपीज़ की रेंज में मिल रहा है, जो कि विंटर्स में आपको 150 to 200 की रेंज में मिलते हैं। इनकी क्वालिटी सही थी, इतनी कोई अच्छी नहीं थी, अगर आप लोग को चाहिए तो अभी लेकर रख लो, अगले विंटर्स के लिए काम आएगी। नॉर्मल से जो समर के टॉप्स होते हैं, विंटर के जो टॉप्स होते हैं वो थे 60 रुपीज़ में, इनकी क्वालिटी भी बहुत सही थी, अगर आपको चेकआउट करने आप यहाँ से कर लेना, सही क्वालिटी थी। मैंने देखा था एक दो टॉप्स, बट मेरे को इतना कोई अच्छा लगा नहीं था, क्वालिटी वाइज बहुत सही था। और ये जो ब्लू वाला टॉप है ऐसे, मतलब ये अटैच्ड वाइट कलर का अंदर इनर था, तो कि बहुत अच्छी मतलब एक क्लासी सा लुक दे रहा था मेरे को। और ये वाइट टॉप, ये जो ये वाला प्रिंट है ना, मैं आपको दिखाऊंगी इस बार वीडियो में, मेरे को ये बहुत जगह देखा है, मतलब इस टाइम ये ट्रेंड में है। सनग्लासेस भी मिल जाएंगे आपको 100 to 150 की रेंज में, मैंने कभी लेकर ट्राई करा नहीं है तो मैं कुछ कहूँगी नहीं। और ये वाले जो भैया थे, इनकी ये जो ओवरसाइज टी शर्ट्स है 150 में बहुत सही है, मतलब इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत सही लगी इन वाली ओवरसाइज टी शर्ट्स की। और इनके जो प्रिंट्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत ट्रेंडी टाइप की ये टी शर्ट्स थी, तो आप यहाँ से ले लेना टी शर्ट्स, बहुत सही क्वालिटी मिली थी। और 100 रुपीज़ में मतलब ये क्यूट क्यूट से जो ट्रेंडी टॉप्स होते हैं वो थे, टॉप टॉप्स होते हैं हर टाइप के टॉप्स थे इनके पास। अगेन देख लो, मेरे को वही वाइट एंड ब्लैक वाला प्रिंट मिल चुका है, मतलब इस बार मेरे को बहुत ज़्यादा मिला है वाला प्रिंट, नॉर्मल जैसे टॉप्स होते हैं क्रॉप टॉप समर वाले उस टाइप के आपको मिल जाएंगे। वापस एक ही स्टॉल में मेरे को दो जगह दो बार दिख चुका है ये टॉप। ये वाली जो स्टॉल थी ये शॉप नंबर 193 के आगे थी आई गेस। और ये वाले भैया थे, इनके पास 150 की वन ये कोरियन वाली स्वेटशर्ट थी, क्रॉप स्वेटशर्ट थी, बट आप मेरे आगे हॉल में देखना मैं ये कितने में लाई थी, तब आपको पता लगेगा मेरी बार्गेनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। बहुत ही क्यूट ट्रेंडी वाली जो होती है ना स्वेटशर्ट, उन वाला प्रिंट था इनके पास, मेरे को सारी ही स्वेटशर्ट अगेन इनकी बहुत प्यारी लग रही थी। ये ब्लू वाइज मेरे को कुछ ज़्यादा ही पसंद आई थी, बट ये मेरे को बहुत ज़्यादा लूज़ आती और थोड़ा सा कपड़ा लूज़ था, तो मैंने ये वाली तो नहीं ली थी, मैंने यहाँ से ली थी, तो आगे हॉल में जाके देखना मैंने क्या ली थी। शगुन साड़ीज़ के अपोजिट मिल जाएगी, और ये इस टाइम विंटर वाली जो स्कर्ट्स थी ना उसका कलेक्शन बहुत प्यारा आया हुआ था, क्यूट क्यूट सी स्कर्ट्स आई हुई थी, 100 में भी थी, 80 में भी थी, सो आप उनकी क्वालिटी अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेना। ये वाली इन वाले भाई के पास बहुत सारी क्यूट क्यूट सी स्कर्ट्स थी। और फिर देखे थे मेरे को ये जॉगर्स, ये भैया दे रहे थे 250 में वाले जॉगर्स, इनकी क्वालिटी भी ऑल्दो ठीक थी, और लाइक आजकल जो जीन्स वगैरह रहती है ना उनसे थोड़े कंफर्टेबल ये वाली चीज़ रहती है, और समर्स में ये वाली चीज़ें बहुत सही रहती है क्योंकि इनका कपड़ा बहुत सॉफ्ट रहता है अंदर से। और अगर मेरे को 30 वाले भैया दिख गए थे, यहाँ से मैं एक दो ईयरिंग्स लाई थी, अच्छी कलेक्शन तीन वाले भैया के पास, तो आप आगे जाके चेकआउट कर लेना मैं क्या लाई हूँ पूरे मेरे हॉल वीडियो में। और ये अंकल दे रहे थे 50 रुपीज़ का, मतलब एक टॉप 100 के दो, इनके पास भी अच्छा कलेक्शन था,
बट वही था, ये वाले जो कलेक्शन था ये वाले मेरे पास ऑलरेडी ऐसे टॉप्स थे, तो मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं था। एक मंदिर था उसके आगे अंकल ने लगा रखी थी वाली अपनी स्टॉल। और शर्ट्स का कलेक्शन मेरे को इस टाइम सरोजनी में इतना अच्छा देखा नहीं था, तो मेरे को मन था मेरा लेने का, बट इतना अच्छा कोई कलेक्शन आया हुआ नहीं था इनके पास। और ये वाली आपको मतलब इस टाइम ओवर साइज टी शर्ट बहुत ज़्यादा दिख जाएंगी, 100-150 इसी रेंज में दिखेगी। सो आपको मतलब क्वालिटी वाइज आपको चेकआउट करना पड़ेगा। और ये वाली ड्रेसेस आई भी थी, मतलब जो नेट वाली ड्रेसेस होती है ना, अंदर आप उसके कुछ इनर पहन के ऊपर से लेते, चिकनकारी टाइप की जो ड्रेसेस होती है उस टाइप की ड्रेसेस आई भी थी। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, मैंने आपको एक वाइट वाली दिखाई भी है, बहुत प्यारी थी, 200 में मिल रही थी ये ड्रेसेस, जो कि बहुत सही रेंज है। अभी गर्मी आएंगी तो आपको यही 250 में मिलने वाला है, तो अभी ले लो। और ये वाले भैया थे, इन वाले भैया से मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, मेरे हॉल में देखना, मैंने रिंग्स लिया है, मतलब जो लिखने वाली रिंग्स होती है ना वो वाली रिंग्स थी। मैंने इनसे इयर रिंग का सेट भी लिया है, जो कि 50 रुपीज़ में बड़ा वाला झुमका लिया था, मेरे हॉल में देखना जाके। और ये वाले शर्ट्स ऑल्सो थोड़ी सही थी, क्योंकि इनके प्राइस रेंज भी 250 थी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और ये मैंने पहली बार मतलब ऐसा देखा है 60 रुपीज़ में इतने, मतलब ट्रेडिशनल प्रिंट में, नॉर्मल प्रिंट में, चेक वाली प्रिंट में, हर प्रिंट में शॉर्ट्स आए हुए थे। और ये कपड़ा मतलब जो पतला वाला कपड़ा होता है ना, जो मतलब समर में बहुत प्यारा लगता है कपड़ा, जिसमें गर्मी नहीं लगती, वो वाला कपड़ा था। मैंने आपको शॉप दिखाई कि शॉप के आगे लगी हुई है वाली शॉर्ट्स वाली स्टॉल, तो आप यहाँ से अगर आपको शॉर्ट्स ये ले लेना, बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और ये पजामास वगैरह भी आए थे जो समर्स में आपको ऑल अच्छे लगते हैं, 100 रुपीज़ में थे ये वाले पजामा। और फिर मैं आ गई थी अपनी एवरीवंस हैप्पी प्लेस पे आइसक्रीम खाने के, जिसके बिना तो मैं जा ही नहीं सकती थी सरोजनी से। सो यहाँ से मैंने 2 आइसक्रीम कराई थी। और इसके बाद मैंने कोई शॉपिंग की नहीं थी, बस मैंने एक जॉगर्स लिया था, जो मैंने आपको आगे अपने हॉल में दिखाया है। और बस यही थी मेरी इस बार की व्लॉगिंग सरोजनी की, मैंने इतनी शॉपिंग की नहीं थी। और बस इसके बाद मैं घर आ गई थी, यहाँ पे आते हुए मैंने एक और शॉपिंग की थी, जो कि मैंने आपको अपने हॉल में दिखाई है। मेरा हॉल देख लो। सो गाइस, आप लोगों ने मेरा व्लॉग देख लिया होगा, और अब हम लोग करेंगे हॉल। सो हॉल की सबसे पहली चीज़ है ये टी शर्ट, जो कि मैंने पहनी हुई है। ये है एक ओवर साइज ग्राफिक्स वाली टी शर्ट, और इस पे आगे लिखा हुआ है कुंफू बियर, और ये लेवेंडर कलर में थी, एंड यू नो आई जस्ट लव लेवेंडर कलर, तो मैं इसको लेके आ गई थी। और ये बनाई थी 150 में, इसकी क्वालिटी बहुत 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 अच्छी है यार, मेरे को मतलब देख के इतनी प्यारी लगी थी कि मैं इसको एकदम से ले आई थी। इसकी क्लिप मैं डाल दूंगी, मतलब पीछे की साइड से इस पे कैसे ग्राफिक्स बना हुआ है वो वाली मैं वीडियो डाल दूंगी। और मेरा दूसरा प्रोडक्ट था ये जॉगर्स टाइप में ये पैंट्स थे ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सो मैं ये वाले उठा के ले आई थी। इनकी क्वालिटी बहुत 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 अच्छी थी, मतलब ये मैं लाई थी 250 में, और नहीं 200 में लाई थी मैं ये वाला, 250 में दूसरा वाला था इन पे। और ये वाली शॉप आपको मिल जाएगी गेट नंबर 1 से, जब आप एंटर करोगे उसमें मतलब बिल्कुल एकदम आपको वाली शॉप मिल जाएगी, तो आप वहाँ से वाली जॉगर्स लेना ना, उनकी क्वालिटी कपड़ों की बहुत 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 सही रहती है। क्यूट सा क्रॉप टॉप, जो कि बहुत 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 प्यारा है, और ये मैं लाई थी 50 रुपीज़ में, मतलब मैंने स्टार्ट में एक अंकल दिखाए थे उनके पास था, मेरे को ना दूर से ये टॉप दिखा था और मैं भाग के चली गई थी इस टॉप के ऊपर, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, मतलब देखने में ही ऐसा लग रहा था बिल्कुल फ्रेश न्यू माल है ये। और मैं लाई थी जो कोलिन वाली स्वेटशर्ट होती है वो वाली, वो मैं पिछली बार लाई थी 150 में एक, और इस बार मैं लाई हूँ 150 में दो। ये है वो दो स्वेटशर्ट्स। और मैंने आपको कहा था स्टार्ट में कि मैं इस टाइम पे जा रही हूँ, जिसमें मुझे दोनों चीज़ें बहुत ही कम रेट में मिल जाएगी, और मुझे मिल गई है 150 में दो। एक है ये ब्लैक टाइप में, और एक है थोड़ा ब्राउनिश टोन में, जो चीता वाला होता है ना वैसे से टाइप का है। ये दोनों मेरे को बहुत प्यारे लग रहे थे। वहाँ पे एक और था रेड कलर में, बट वो मेरे को फिट नहीं होने वाला था, वरना वो रेड वाला तो और प्यारा था। वो भैया पहले मान नहीं रहे थे 150 में दो में, पर मैं चली गई थी, उन्होंने मुझे भाग के बुलाया, दीदी आ जाओ ले लो आप 150 में दो। सो जाके वहाँ बार्गेन कर लेना आराम से, भैया लोग दे देंगे इस टाइप पे आपको सर्दियों का माल बहुत सस्ते में। और एक मैंने आपको मतलब मेरे व्लॉग में एक भैया की शॉप दिखाई थी बाबू गारमेंट्स, वो भैया बहुत 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 अच्छे हैं, और उनके कपड़ों की जो क्वालिटी है, जो कपड़ों की कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। उनसे लाई थी मैं ये ग्रीन कलर की नॉर्मल से क्रोशेट वाली शर्ट, ये मेरे को देख के ही पसंद आ गई थी। ऑल्दो थोड़ी ओवर साइज है, थोड़ी ढीली ढीली आएगी मेरे को, बट लाइक मेरे को ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, और इसका जो कलर है ना वो भी बहुत प्यारा लग रहा था, सो इसलिए मैं इसको ले आई थी। सिर्फ 80 रुपीज़ में लाई थी मैं ये,
एंड इसमें थोड़ा नेचर वाला कलर होता है, वो है वाइट और ग्रीन का इसमें ये कलर कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत अच्छा है और सिर्फ 80 रुपीज़ में बहुत अच्छी क्वालिटी मिल गई है मेरे को। मतलब मैंने आपको व्लॉग में बताई है उनकी जो शॉप है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छा कलेक्शन है इन वाले भैया के पास। और इसमें मैं लाई थी बहुत 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 सारे अपनी ज्वेलरी, मतलब इयर रिंग्स वगैरह लाई थी। ये रही वो मेरी पूरी पन्नी जिसमें मैं इयर रिंग्स भर के लाई हूँ। फर्स्टली है मेरे ये जो कलर के क्यूट से इयर रिंग्स थे, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे देख के, और ये मैं लाई थी 50 रुपीज़ में। मैं इनमें क्या डिटेलिंग बताऊँ आपको, नॉर्मल से जैसे इयर रिंग्स होते हैं, फंकी इयर रिंग्स हैं ये, बीडेड इयर रिंग्स है ये, इस टाइप के कोई भी इयर रिंग्स मेरे पास थे नहीं। इसी का एक जुड़वा भाई ले आई हूँ मैं, ये मैंने घर आके चेक किया था कि मैंने एक ही शॉप से ये सेम से इयर रिंग्स ले लिए हैं, बट कोई नहीं, थोड़ा अलग टाइप में, वाइटिश टाइप में थोड़ा इसका कलर है। ये वाले इयर रिंग्स सब ड्रेसेस के साथ नहीं जाएंगे तो ये वाले चले जाएंगे। और लाई थी मैं क्यूट से फ्लावर वाले कोरियन वाइब वाले इयर रिंग्स, ये भी 50 रुपीज़ में ही थे। ये वाले इयर रिंग्स तो बहुत प्यारे हैं, ये लकड़ी के बने हुए हैं, मतलब फ्लावर वाले इयर रिंग्स मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसे इयर रिंग्स पहने हैं और मेरे को बहुत प्यारे लग रहे हैं वाले इयर रिंग्स। जैसे आप गेट नंबर 1 से यहाँ पे बड़ा सा सरोजनी लिखा हुआ है वहाँ से आप एंटर करोगे, वहीं पर आपको थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पर भैया दिख जाएंगे, उनके शॉप से लाई थी मैं वो 3 इयर रिंग्स। कैंस करके आपको एक शोर दिखेगा, उसके पास में से मैं ये वाले इयर रिंग्स लाई थी। ये लाई थी मैं बड़े बड़े झुमके, क्योंकि वाले मेरे को नीडेड थे इसलिए मैं इनको उठा के ले आई थी। ये लाई थी मैं 50 रुपीज़ का एक, आपको मतलब मैं पहले बता रही हूँ, बहुत सारे लोग दिखेंगे जो आपको 100 में यही क्वालिटी देंगे, इतने ही बड़े झुमके देंगे, बट किन्स के सामने एक भैया लगाते हैं, वो हमेशा लगाते हैं वहाँ पे, सो आप उनसे जाके ले लेना, वो बहुत सही रेट पे देते हैं। 50 रुपीज़ का एक इतना बड़ा वाला इयर रिंग दे रहे हैं वो। उन्हीं से सेम प्राइस पे मैंने लिया था ये एक और ब्लैक कलर का इयर रिंग, ये मतलब मेरे को बहुत प्यारा लग रहा था, ट्रेडिशनल में बहुत सही जाएगा, ऊपर इसमें पिकॉक बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला इयर रिंग मेरे को। ये मैंने कहीं और पे भी देखा था इयर रिंग, तो वहाँ पे शायद आई गेस 100 के 150 या 100 था, सो मेरे को वहाँ इसको सेम क्वालिटी सेम प्राइस देख के बहुत प्यारा लगा ये वाला इयर रिंग। और वो भैया ना लाइक 50 में दो रिंग्स भी दे रहे थे, सो मैं वो भी उठा के ले आई थी। मैं 3 लाई हूँ मैं तो, सो मैं उसमें से ये 3 रिंग्स ले आई थी। वेट लेट मी शो यू दिस। एक है इसमें लिखा हुआ है नखरे वाली, एक इसमें नॉर्मल ले आई थी मैं स्क्वायर में, और एक इसमें लिखा है मुसाफिर, मतलब लाइक ये ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ बहुत 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 सही जाएंगे। 25 रुपीज़ ईच का है जो कि बहुत सही प्राइस है यार, मतलब आजकल जैसे लिखने वाली जो रिंग्स है ना, मतलब आजकल ट्रेंड में है, चंकी वाली वाइब्स देती है, सो मैं इनको इसलिए लिया, मेरे को बहुत प्यारी लग रही थी, कुछ अलग सी थी, सो मैंने सोचा कि इस बार इनको ले लेते हैं। और मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसी कोई रिंग्स दिखी होंगी, ऑल दो मैंने नेक पीसेस देखे हैं, बट आई एम लविंग दिस। और मतलब मैं और इयर रिंग्स भी लाई थी, मैं बहुत सारे इयर रिंग्स लाई हूँ इस बार, मतलब मोस्टली मैं ऐसे लाई हूँ कि मेरे ट्रेडिशनल आउटफिट पर चल जाए जो इयर रिंग्स। एक थे ये वाले इयर रिंग्स, ये वाले मैं लाई थी बिक्सी लेन में, एक भैया थे उनसे। एक थे ये वाले, इसमें थोड़ा मिरर वर्क था तो थोड़े लंबे हो जाते हैं, ये वाले इयर रिंग्स अच्छे लगते हैं लाइक अगर आप रील वगैरह में पहनो। और एक थे जिन पे ये मोर बना हुआ है, ये थे 30 रुपीज़ ईच के। इन्हीं वाले भैया से एक और इयर रिंग जिस पे अगेन मिरर वर्क हो रखा है, बट लाइक ट्रेडिशनल आउटफिट पे लंबे लंबे भारी भारी से इयर रिंग्स बहुत प्यारे लगते हैं, तो ये मैं ये भी लाई थी उनसे। इसमें नीचे थोड़ा मोतियों से, वाइट मोती से वर्क भी हुआ हुआ, जो कि और लास्ट चीज़ बची है मेरी ये नेक पीस, जो कि मैं वाइट पर्ल वाला नेक पीस लाई थी। जब आप मेट्रो के गेट नंबर 1 से एंटर करोगे, मतलब घर जाने के लिए वापस, सो आपको वहाँ पे भैया दिख जाएंगे, वो दे रहे थे ये वाली नेक पीस जो कि मैं लाई 50 रुपीज़ में। एक मेरे को ये चाहिए थी सो इसलिए मैं इसको भी ले आई थी। और बस मैं इस बार सिर्फ इतना सा ही सामान लाई थी, मोस्टली मैं इस बार इसलिए गई थी तो क्योंकि मेरे को ज्वेलरी चाहिए थी, और ज्वेलरी नॉर्मल मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी, जो कि वहाँ बहुत सही मिल गई है मेरे को, सो बस मैं इसलिए ही गई थी, थोड़ी बहुत शॉपिंग अपने लिए भी कराई। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग प्लस हॉल, आई होप यू लाइक दिस। और अभी सरोजनी चले जाओ, वहाँ पे बहुत सही माल आया हुआ है, बहुत कम रेट पे आप लोग को मिल जाएगा। और बस अभी आगे की वीडियोज़ के लिए ऐसे बना लेना, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड टिल देन बाय बाय।